देने आए हैं और बहुत अच्छा काम किया. फिल्म का टोटल जो एटमॉस्फियर है वो बड़ा अच्छा. वॉच करे और मुझे आज मेरा सर फखर के साथ बहुत बुलंद हो रहा है. इनका वो जो एक जोश है वो मुझे किसी भी लेडीज किसी भी लड़की में किसी भी हीरोइन में नजर नहीं आता. अमेजिंग औरत थी लेकिन चेंज थी. औरत थी लेकिन चेंज थी. औरत थी लेकिन चेंज थी. ऐसी मूवी होनी चाहिए. मेरे लिए ये चैलेंज था. मेरे लिए ये चैलेंज था. ये चैलेंज था. इन्होंने हीरोइन का रोल भी किया है. इन्होंने गुड गर्ल का भी रोल किया. बैड गर्ल का भी रोल किया. जब उन्होंने गाना किया है तो वो परी लगी है. जब विलन का रोल किया तो वो वैम्पायर लगी है. सर थैंक यू. और सर थैंक यू. और सर थैंक यू. और सर इट्स एन ऑनर कि आप आए हैं हमारे पास. और आप आए हैं हमारे पास. और आप आए हैं हमारे पास. और बड़ी फखर की बात है क्योंकि आपने पापा को बड़ा सपोर्ट किया. आज मुझे सपोर्ट करने सर, जब जब फिल्म बनेगी हम जरूर. थैंक यू. इससे पहले टकसाली गेट थी. इससे पहले टकसाली गेट थी. और जी उससे पहले फिर लाहौर कलंदर भी थी. और एक जियो सर उठा के मेरा डेब्यू था. अच्छा. तो फीक शाह साहब को क्रेडिट जाता है. इन्होंने बड़ा फेवर किया मुझे और कहा कि ये करेक्टर अली खान ये आप जब करोगे उसके बाद ये स्क्रीन पे आएगा तो लोग आपको याद करेंगे देखेंगे और मज़ा लेंगे इसका. मैं कोरियोग्राफी मेरी है और मैं फिल्म का को डायरेक्टर हूँ बिना साहब के साथ. ग्रेट पर्सन. इस फिल्म के जो गाने हैं वो मैंने अरेंज किए हैं. इसकी जो ट्यून है वो है अली इमान. अंकल इसका मतलब मुझसे पहले जिन लड़कियों को. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोर मीर और मेरे साथ है नईम अजीज साहब. नईम अजीज साहब स्पेशल बात करनी है फिल्म भेड़िया पे जो शहजाद बिल्ला साहब की फिल्म और उसमें सिदरा नूर शफकत चीमा साहब और शहरयार चीमा भी. इसकी स्पेशल इसलिए बात करनी है कि इसके प्रीमियर में ख़ास तौर पे हमें मधु किया गया और इस फिल्म को देखते हुए ये एहसास हुआ कि इस फिल्म पे बात करनी चाहिए और इसकी एक रेलेवेंसी हमारी ये कि नईम अजीज साहब की उसमें शायरी और एम अरशद साहब का भतीजा और नदीम अरशद साहब का बेटा क्या नाम सर वसीम अशरफ उसका जो है पैटर्न और अरेंजमेंट है. तो पहले तो बात करते हैं उस फिल्म की कहानी और सारा एक बड़ी एक टेक्निकल फिल्म होती है जो सस्पेंस थ्रिल और एक्शन मूवी होती है. ये असल में वेस्ट का मौजू है. वेस्ट में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी फिर बॉलीवुड बम्बई में और पाकिस्तान यहाँ लाहौर कराची में फिल्में बनती रहीं और एक बड़ा एक बैकग्राउंड है जिसमें एक सस्पेंस और थ्रिलिंग या हमारे रेहान साहब एक आर्टिस्ट थे जी बिल्कुल. वो उन्होंने क्रिस्टोफर ली वाला वो करेक्टर किया था ड्रैकुला और खून चूसता है. तो तुसी कभी खून चूसे किसी गरीब का. मैं अंब चूसिया हो अनवर टोर जी. अंब चूपते या फड़े तो नहीं गए. नहीं सर बाग इसकी नहीं गया. अच्छा मैडम जी बहुत बड़ी मुगनियाँ थी उनको. मैं समझता हूँ कि राग क्लासिकल सीख के वो कमर्शियल तक सारा तो उन्होंने ऐसी चीज़ें भी वैरायटी के साथ गाई हैं. मैं अंब छूपन ली गई बाग च फड़ी गई है. सर मैडम आपको पता है मैडम थी मैडम नूर जहाँ दूसरी हो ही नहीं सकती. तो बात अगर भेड़िया की करें तो उसकी जो सिदरा नूर है उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने किया बैड सोल बदरू का
तो मैंने पूछा कि सिद्रा ये बदरू में आपका जो है आपकी आइडियल कौन थी, है नी? तो हंसी खेल भी होता रहा, बड़ा अच्छा रंगीन प्रीमियर उन्होंने किया है। लाहौर में देखिए किसी ज़माने में 120 फिल्में बना करती थी और इंडस्ट्री भरी हुई थी, फिर जब ढाका हमसे अलहदा हुआ है तो एनुअली ये वॉल्यूम सुकड़ के 80 और 90 तक आ गया, और उसके बाद भी फिल्म वालों ने, फिल्म का बहरहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक जो है बजट से है, सर्किट से है, जितना वसी सर्किट होगा। इंडियन इंडस्ट्री को क्या है एज हासिल है, इंडियन फिल्म मेकर्स को और आर्टिस्टों को, 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है, फिर ओवरसीज मार्केट है बहुत बड़ी। तो हमारा जो है, हमारा देखिए कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, यह सारा सर्किट है। केपी में शायद 2 सिनेमा है जी। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में वर्किंग 1 स्क्रीन भी नहीं है, 1 सिनेमा भी नहीं है। तो बड़े बुरे हालों में जो है वो जो हमारे टेक्नीशियंस और हमारी फिल्म को सामना है। तो भेड़िया की बात करें तो शहजाद बिल्ला साहब भेड़िया बने जी, वो इस फिल्म के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और इस फिल्म में मेन रोल भेड़िया का रोल भी वही कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि शहजाद बिल्ला साहब ने भेड़िया का जो कंसीव किया, तो ये किस बुजुर्ग भेड़िया के शागिर्द हुए, केड़े भेड़िए को इन्होंने गंडा बनवाया? शहजाद, ये तो शहजाद बिल्ला साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि भेड़िए के इतने करीब जाना कि उससे गंडा बंधवा लिया जाए। मैं कह रहा कि उन्होंने तैयारी जी है ना, जी जिमें ताफो साहब का बहुत तैयार है, पुड़ा बहुत तैयार है, तो उन्होंने भी जड़ियाँ नौंदरा मारिया ने शफकत चीमा साहब जी जी है, तो बड़ी स्पीड और नादन दिन बड़ा क्लीयर, बहुत क्लीयर, बहुत बोल भी क्लीयर, और पूरी थादुनी की। शहजाद बिल्ला साहब ने जी अपने कैरियर का आगाज़ किया था एज फाइटर, और इन्होंने नदीम चीमा साहब की फिल्म थी जियो सर उठा के, उस फिल्म के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल किया था। शफकत चीमा साहब मेन विलन थे और उनके एक साथी का रोल किया था, और वो रोल इनका बहुत ही शानदार रोल था जिसमें इन्होंने बड़ा गेटअप, अच्छा गेटअप भी किया था। उसके बाद ये फिल्म में काम करते रहे हैं, एज फाइटर काम किया है इन्होंने, और ये फिल्म इन्होंने जो बनाई है ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने एक फिल्म को लिखा, उसको डायरेक्ट किया और उसके अंदर मेन रोल किया, और उस रोल के साथ इन्होंने बहुत इंसाफ किया। मैं समझता हूँ कि कोई मंजा हुआ अगर इनकी जगह एक्टर और होता तो वो भी शायद इसी तरह प्ले करता जैसा इन्होंने प्ले किया। मुझे नहीं भाई, मुझे ये बात कहने की इजाज़त दीजिए कि उसमें जो जो ऑडियो था भेड़िया का, वो अगर किसी और आर्टिस्ट से जिसका वोकल, मतलब ये देखिए मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि श्री देवी बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही सब कॉन्टिनेंट में, ये तो इंडिया से थी लेकिन यहाँ भी उन्हें माना गया है, तो उनकी भी डबिंग हुई है, उर्दू उनकी बेहतर नहीं थी। और इसी तरह इस फिल्म की अगर मैं भेड़िया की बात करूँ, तो उसमें जो स्कूल टीचर का करेक्टर था वो बहुत ही नीम खानदा ऑडियो उनका ये रहा। मैं इसको अगर आसान कहूँ तो एक स्कूल टीचर का जो टोन टेम्पो है वो एक, उसमें एक लियाकत और एक पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए थी। ओवरऑल इस फिल्म की जो डबिंग है ना सर, वो उसमें ये प्रॉब्लम रही है कि तमाम उर्दू डायलॉग्स जो बोले जा रहे थे वो लग रहा था कि जैसे पंजाबी में बोले जा रहे हैं, जैसे एक लफ्ज़ है उर्दू का गलत तो उसमें गलत बोला गया, आपका एक लफ्ज़ है ऐलान उसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ऐलान जी, तो वो इस तरह का, चूँकि डबिंग डायरेक्टर जो शायद इस फिल्म में कोई नहीं मुझे नज़र आया जिसको, जो उर्दू के ऊपर पूरी इनको बताते कि यार आपको अपना एक्सेंट, ये नहीं भाई ये इस वजह से भी होता है कि क्योंकि ये जहाँ हम बैठे हैं लाहौर पंजाब का गढ़ है, तो ये यहाँ मादरी जबान तो लोगों की पंजाबी जी बिल्कुल है, ठीक है जी, और उर्दू का अपना तकाजा है, अपना हिजे हैं, अपना एक उसका एक एक्सेंट है और वो है, तो वो ख्याल अगर फिल्म पंजाबी होती तो उसमें पंजाबी आप फिर आज़ादा ना बोल सकते हैं, अगर फिल्म उर्दू है तो उसमें बेसिक जो उर्दू है वो ठीक होनी चाहिए। बाकी मैं जो फिल्म देखने जाता हूँ अब एक अरसे से, तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखता हूँ,
तो उस पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं करता कि जो फ्रांसिस डी कपोला की फिल्म पे, यहाँ हमारे क्रिटिक्स जो हैं वो होते तो यहाँ सैयद नूर साहब की फिल्म पे वो फ्रांसिस डी कपोला उसको करके तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सैयद नूर साहब समेत जो भी फिल्म बना रहा है, यहाँ तो वो क्रिटिक्स जो हैं खुद फिल्म बनाएं, बना के दिखाएं कि भाई ऐ कूड़ा ते ऐ कूड़े दा मैदान, तो फिर वो नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस हालात में, जिन हालात में ये यहाँ फिल्म बनाई जाती है, मैं एक शूटिंग सैयद नूर साहब कर रहे थे शबाब स्टूडियो में, तो यही दिन थे, तो उसमें कोई बाहर मेले का सीक्वेंस था, उसमें रेशम थी और कुछ और लोग थे। मैं ये समझता हूँ कि वो गर्मी जो है मुझे भूलती नहीं है। मैं जाहिर है पंजाब का रहने वाला हूँ, गुजरांवाला लाहौर, और हमने गर्मियाँ देखी हैं, और इस दफ़ा हज पे जो है 59 हुआ और उसमें 900 के करीब जो हैं वो हाजी जो हैं वो चल बसे। तो ये गर्मी का जो एक फैक्टर होता है, ये सामना हमारे मुल्क में 6 से 7-8 महीने गर्मी रहती है, और उसमें 3 से 4 महीने ऐसे हैं जिसमें शिद्दत है, जिसमें मना किया जाता है कि आप गर्मी से बचे नहीं तो आप मर सकते हैं। यहाँ गुजरांवाला में ईद पे कई बकरे गर्मी से चल बसे हो गए, उनका डेथ हो गई, और कसाई बेहोश हो गए। तो ये एक फिल्म वालों को फिल्म मेकिंग में ये सामना करना पड़ता है। ये अब स्टूडियोज जो हैं एयर कंडीशन भी होते हैं, लेकिन जो बाहर के सीक्वेंस हैं, जो आउटडोर शूटिंग है, तो ये पाकिस्तान में जितनी भी कामयाबियां आपने देखी हैं पंजाबी फिल्मों की, वो गर्मियों में मोस्टली जो बनी हुई फिल्में हैं वो भी हैं, और सर्दियों में बनी गई दूसरे मौसमों में भी। सर, तो अभी रिसेंट एक फिल्म बना रहे हैं सैयद नूर साहब, ललकारा सिंह इन लाहौर, उसके भी लिरिक्स मैं लिख रहा हूँ, और मैंने उस फिल्म का पहला स्पेल उनके साथ एज एसोसिएट डायरेक्टर भी किया है। तो उस फिल्म में भी हमें जो शुरू के हमारा सारा शूट था जी, वो हमने किया था सर्दी में। अब उसके जो बाकी पैच वर्क था, कुछ अर्से बाद गर्मी आ गई तो हमें वो फिर शूट स्टार्ट हुआ, तो हमने उस गर्मी के अंदर हीरो को जैकेट पहना के वो सारा शूट किया। तो मैं देख रहा था कि ये कितना मुश्किल काम है कि वो हीरो उसको किस तरह मैनेज कर रहा था कि वो गर्मी के अंदर जैकेट पहन के और रज़ाई में लेट के, वो इस तरह के कुछ सीन थे जो घर के उसके बेडरूम के सीन थे। तो ये गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हैं ये लोग, और ये बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई जाती है। भेड़िया में हमने देखा कि वो रात के सीक्वेंस ज़्यादा हैं उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रिलर सस्पेंस फिल्म जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम बनी है। इसको हार्ड डालना एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था, उन्होंने उसको हार्ड डाला, और उसके साथ बड़ा अच्छा अपने लिमिटेड वसाइल के अंदर रहते हुए उन्होंने उस फिल्म को बड़ा अच्छा निभाया है। और उस फिल्म को जिस तरह वो लेके चले हैं वो बड़ा ही उनका मतलब हम उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि बिल्ला शहजाद बिल्ला एक प्रैक्टिकल आदमी है, जिन्होंने जो पहले कभी हमें मतलब एक अरसा से, मैं फिल्म से कटा भी हुआ हूँ निगार खानों से, क्योंकि दूसरी मसरूफियत तो हो गई प्रोग्रामिंग में, तो बिल्ला साहब कभी नज़र भी नहीं आए, और अचानक जो है वो आए, और मुझे ये नईम साहब से पता चला और लोगों से भी कि वो एक्टर हैं, और उन्होंने एज फाइटर भी अपना कैरियर कुछ बसर किया है, तो उसमें वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी उन्होंने ढूंढा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि सिर्फ बातें नहीं की, फिल्म सोची और उसे फिर बना दिया। उसमें खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले खुले दिल से फिल्मों को देखना चाहिए और उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए, उनकी पजीराई करनी चाहिए। जब यहाँ एक फिल्म कल्चर डेवलप हो जाए और एक पूरी एक्टिविटी बन जाए, उसके बाद फिर हार्ड फास्ट जो रूल्स हैं क्रिटिक्स के और क्रिटिक्स के, वो अप्लाई होने चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम एमेच्योर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अभी जो रिसेंट इंडस्ट्री का जो रिवाइवल हुआ सर, अभी उस तरह मेच्योर नहीं हुई जितनी 90s से पहले थी। तो अब इस इंडस्ट्री को जो है वो सहारा देने के लिए जो लोग फिल्म बना रहे हैं, इन सब का, चाहे वो उम्र यार हो, चाहे वो भेड़िया हो, चाहे वो नाबालिग अफराद हो, चाहे वो अभी हो, ये जिन लोगों ने बनाई हैं फिल्म्स, इन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई हैं, और ये सारी कोशिशें अच्छी हैं। भेड़िया को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उस के प्रीमियर पर हम लोग गए,
उसको हमने देखा और हमने एज ए क्रिटिक उस फिल्म को देखा कि हम इस फिल्म के बारे में चूंकि हमें डिस्कस करना है तो हम इसको भरपूर अंदाज से देख लें। तो नहीं भाई, आइए देखते हैं कि सिदरा नूर ने उस दिन हमारे साथ बात करते हुए ये मीर टॉकीज पे शेयर करते हैं वो वीडियो जो सिदरा नूर ने क्या कहा। आपको मुबारक देने आए हैं, बहुत अच्छा काम, फिल्म का टोटल जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा अच्छा। मीर साहब का कमेंट मेरे लिए बड़ा खास है क्योंकि मेरे मौसी ने, मैंने टीवी पे जितना भी काम किया, मेरी तो सिदरा जो है वो करेक्टर को इतनी ईमानदारी से निभाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस दौर के अंदर। मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ इस मूवी को देखें। कैसा लगा आपको सिदरा का काम? मैं क्या कहूँ इनके बारे में, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। माशाल्लाह इनका डांस, इनकी एक्टिंग, इनका स्टाइल, इनका वो जो एक जोश है वो मुझे किसी भी लेडीज़, किसी भी लड़की में, किसी भी हीरोइन में नज़र नहीं आता। अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैं तो वैसे ही फिल्म देख के आपको लगा नहीं कि आपको भी कत्ल होना चाहिए था इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम होते तो शायद हम इनकी जगह को कवर करते, हम कत्ल ना होते। लेकिन बहुत जबरदस्त माँ ने अपनी फिल्म का आगाज, अपना डेब्यू फिल्म की थी जियो सारू ठाके, और उस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस वाले का रोल किया था, और मतलब सिमेंटेनियसली ही इज वर्किंग एज अ पुलिस मैन इन दिस फिल्म एज वेल। जो यहाँ भी उन्होंने पुलिस वाला किया, तो शहरयार चीमा एक बड़े बाप के बेटे हैं, शफकत चीमा साहब के बेटे हैं, जो पाकिस्तान के टॉप विलन हैं माशाल्लाह। 1100-1200 फिल्म्स को एज ए विलन उन्होंने प्ले कर चुके हैं, तो शहरयार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। शहरयार ने अच्छा रोल किया। शहरयार अभी चूँकि मेच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर इनको जाना है, टाइम लगेगा, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको पूरी कोशिश की है कि वो इस रोल के साथ इंसाफ कर सकें, लेकिन ये है कि अभी वो शायद उस तरह वो नहीं निभा पाए जिस तरह लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आप बड़े बाप की बात कर रहे हैं कि भाई वो एक्सपेक्टेशंस भी हैं, अच्छा भी किया और भी अच्छा करेंगे जी। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो बदरू का करेक्टर किया है सिदरा नूर ने, इसमें ताड़ा कभी किसी बदरू नाल वाह पिया? नहीं सर, मेरा नेक रूह नाल ही वाह पिया, और अलहमदुल्ला मेरे ना बढ़िया खुश ने। तो ये बदरू जो है उसने कहीं अपने अंदर से तलाश की या कहीं से इंस्पायरेशन थी? सर ये देखें, उनकी एक अच्छा उन्होंने कंसीव किया वो कैरेक्टर। मैं आपको ये बताऊं कि वो फिल्म में आपको आइडिया नहीं होता कि वो एक बदरू है, जिस तरह वो फिल्म को लेके चले हैं, जिस तरह वो उसको उसने सिदरा ने जिस तरह काम किया। वो एक ऐसी औरत जो अपने खामंद के होते हुए किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है और माल उसका खा रही है, तो उसको हम गुड सोल नहीं कह सकते, उसको बैड सोल ही कहेंगे। तो वो बदरू ही थी। तो वो तो सिदरा वो करेक्टर कर रही थी। देखें इसमें दिलीप कुमार साहब को मैं कोट करना चाहूँगा। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि फिल्में जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से होती हैं, दो उसके बड़े वाजे तरीके हैं, एक है फैंटेसी और एक अपने अंदर से ढूंढना। उन्होंने कहा कि देवदास में जो उदासी है और जो अकेलापन है और जो इंट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी है, वो उन्होंने अपने कहीं अंदर से ही कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, तो देवदास उन्होंने अपने अंदर से ही ढूंढा। जबकि शहजादा शेखू जहांगीर जो मुगले आज़म में पृथ्वीराज साहब के सामने मुकाबले में किया, उन्होंने कहा शहजादा मेरे अंदर नहीं था तो मैंने क्रिएट किया, मैंने अपने आस पास ये वो ढूंढा और उसमें एक फैंटेसी भी ऐड की। तो दिलीप साहब की टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो नहीं भाई ये बताएं कि जो म्यूज़िक इसका एक मैंने सुना और एक नया साउंड, एक एहसास, नए सम्राज ये नहीं कि बिल्कुल नया, लेकिन एक नयापन, एक ताजगी उसमें जो है फील हुई है, वो शायरी के हवाले से भी, लिरिक्स के हवाले से भी, वो पैटर्न और अरेंजमेंट, और जो लड़की के तीनों गाने क्योंकि लड़की से गवाए गए हैं और वो एक
नईम भाई बताएंगे। ये इसके नए मौसीकार हैं अली ईमान, अली ईमान का ताल्लुक फैसलाबाद से है और मुझे उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे भाईजान एक गाना चाहिए, मुझे आपका रेफरेंस दिया किसी ने तो मैं आपसे लिखवाना था। मेरी उनसे मुलाकात नहीं, आज तक नहीं मुलाकात हुई, तो मैंने उनको वो गाना लिख के भेजा और उनको वो उन्होंने मुझे एक मीटर भेजा था उस पर मैंने लिख के भेज दिया, वो गाना इस फिल्म में उन्होंने लिया। तो अली मान ने बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया और उस म्यूज़िक को लोगों ने बड़ा पसंद किया, आपने ख़ुद बहुत पसंद किया। उनके साथ म्यूज़िक अरेंज किया वसीम नदीम ने जो अहमद शफ साहब के पोते हैं और नदीम साहब जो ड्रमर थे उनके बेटे हैं और अहमद शफ साहब के भतीजे हैं, तो एक म्यूज़िकल फैमिली से बचा है और उसने बड़ा अच्छा उसका अरेंजमेंट किया उसके गाने जिसने गाए। अरेंजमेंट देखें, म्यूज़िक का घराना तो वो है, म्यूज़िक डायरेक्टर तो वो चल रहा है एक ट्रेडिशन, लेकिन उसमें जो अरेंजमेंट है जी जी। वो और उसमें वो एक नयापन लाते हैं जी जी। जैसे द मस्त कलंदर जो नुसरत फतेह अली खान साहब का फ्यूजन का जो क्रेडिट है वो एम अरशद साहब का जी वो म्यूजिक था, अरेंजमेंट था। नुसरत फतेह अली खान साहब का जितना भी म्यूजिक है उसका सबका म्यूजिक अरेंजमेंट एम अरशद साहब ने किया अमूमन मोस्टली, और एम अरशद साहब को बैकग्राउंड किंग भी कहा जाता है, एक बड़े पाकिस्तान के बैकग्राउंड प्लेयर्स में वो उनका शुमार है। मतलब 48 फिल्म्स तो वो सिर्फ सैयद नूर साहब के साथ कर चुके हैं जिनमें म्यूजिक और बैकग्राउंड शामिल है, तो उनका बहुत स्कोर है और उनकी औलाद ने अगर ये काम नहीं अच्छा करना तो फिर किसने करना था? करना है तो इसलिए इस फिल्म के अंदर थोड़ा सा नयापन है। और दूसरा इसका बैकग्राउंड, एक सावल खान साहब हैं, सावल खान ने बड़ा अच्छा इसका बैकग्राउंड किया और सावल खान बहुत सी फिल्मों का आजकल बैकग्राउंड कर रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा इंसाफ किया है। बेड़िए की एंट्री सस्पेंस थ्रिल के अंदर उन्होंने जो म्यूजिक दिया बड़ा अच्छा दिया और हमारी भेड़िए का बैकग्राउंड देने के लिए कोई अंदर अपने अंदर भेड़िया जगाना पड़ता है या लूमड़ शूमड़ भी कम चल सकता है? सर मेरे ख्याल दो कुकड़ होते हैं मिला के भी बैकग्राउंड हो सकता है। अच्छा भाई ये बताया कि ये इस फिल्म के जो आपको ऑनलाइन वो मीटर आया, आपने ऑनलाइन शायरी भेज दी, तो आपको ऑनलाइन रकमें ट्रांसफर हुई जी या पैसे बेची ने? जी वो मसला ये है कि वो मैं ना तो उनको मिला हूँ आज तक मौसीकार साहब को और ना ही मेरी उनके पास कोई हैंड ओवर या टेक ओवर हुई, तो ये सिर्फ मैंने उनको गाना ऑनलाइन उन्होंने मेरे से मांगा और मैंने उनको दे दिया था और मुझे खुशी है कि मेरा आर्ट किसी इदारे के मैं के असल में आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जाहिर है ये प्रैक्टिस जो है पैसे के साथ ही है, लेकिन इसकी आपको शाबाशी कि आप तावन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने सारी ज़िंदगी जो आप एक प्रोफेशनल घराने से हैं अगर आप तकाजा नहीं कर रहे या आपने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है मैं इसमें वो करता हूँ, तो ये भी अप्रोच और स्पिरिट होनी चाहिए कि एक फिल्म को संभाला देने के लिए और उसको दोबारा पैदा करने के लिए अगर ये स्पिरिट हो कि आर्टिस्ट जो हैं ज़्यादा से कम पैसे ले लें और कम वाले और कम कर दें, और कभी अगर आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा या आप उसको वो कर सकते हैं अफोर्ड, तो ये तोहफा भी जी बिल्कुल क्यों नहीं, क्यों नहीं जी। मेरी फिल्म इंडस्ट्री के देखें जी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री की लेकिन इसको स्टैंडर्ड ना बना लीजिएगा, उन्होंने वो प्रोफेशनल है ना, उन्होंने पैसे भी दिया करो। हाँ जी, मैं चूँकि बाय प्रोफेशन मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ और मेरा एडवर्टाइजिंग की फील्ड से भी ताल्लुक है और मैं पिछले 27 साल से इवेंट मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो ये जो फिल्म है जो चूँकि मेरे खून में शामिल है, इसकी कमाई यही इसी कमाई पे मैं पढ़ा हूँ, इसी कमाई से मेरी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी की मेरे पेरेंट्स ने, तो मेरा एक शौक़ है, प्यार है और इंडस्ट्री के लोगों के मैं किसी काम आ जाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत एक सआदत की बात है, तो इसलिए जो इस तरह के काम होते हैं वो मतलब मैं खुशी से करता हूँ और मैं आइंदा भी करने के लिए तैयार हूँ। चलें आपकी खुशी से ही जो है ये बात को, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में।